अभी सर किसी को पूरा जानकारी नहीं है, यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री खुद मतलब अपना वक्तव्य बदलते रहते हैं, तो पेपर वाला भी अपने हिसाब से सब लिख रहा है। ऐसा कहीं कुछ अभी नहीं है, जब तक सिक्स फेज समाप्त नहीं होता है तब तक सातवां चरण का अभी घोषणा नहीं हुआ है। घोषणा होगा तभी पता चलेगा। तो हम लोग तो क्लियर हो गया कि सातवां चरण प्राइमरी का आ रहा है, तो हम लोग अब इसी पे काम करना है कि रिक्तियाँ 2021 तक जोड़ी जाए। सरकार भले 50,000 कर रही है, लेकिन हम लोग को चाहिए कम से कम 2021 तक जोड़िए। आपके पास पर्याप्त मात्रा में सीट है, करीब करीब खुद बोले हैं शिक्षा मंत्री जी के 2.25 लाख तक प्राइमरी में सीट खाली है, तो 2 लाख नहीं दीजिए तो कम से कम 1 लाख तो दीजिए। 2,25,000 खुद अपना वक्त में बोले हैं। और हमारे मतलब नेता प्रतिपक्ष जो है, नेता प्रतिपक्ष विधानसभा बोले हैं कि 3.5 लाख शिक्षकों की सीट खाली है, गलत थोड़े बोल रहे हैं। जब आपके पास सीट है और हमारे पास अभ्यर्थी भी सीट के पास है, तो सबको जोड़ कर लीजिए, कहने सब थोड़े हो जाए 50,000 20,000 10,000। जी जी बिल्कुल सर, आपने सही बताया कि जी कई बार शिक्षा मंत्री बोल चुके हैं कि हाँ इतना सीट खाली है, इतना बहाली करेंगे, आप कभी कुछ बोल देते हैं। लेकिन सर क्या लगता है सर, प्राइमरी में सर कितना आएगा सर अंदाज से? सर अभ्यर्थी बहुत टेंशन में 50,000 के नाम देख पाते। देखिए सर, 50,000 तो ऑलरेडी सीट, 50,000 ऑलरेडी तो पहले से बैकलॉग सीट है जो कि 6 फेज में बच रहा है। लेकिन संजय सर से जब पहले बात हुआ था तो खुद बोले हैं 80,000 से 90,000। और हमारा डेलीगेशन टीम जो गया था, जो 3-4-5 पर आंदोलन हुआ था, उसमें भी वो लोग बोले हैं लगभग 80,000 से 90,000 देंगे। तो हम लोग इसी के लिए डिमांड करना है कि हाँ सातवां चरण तो आ रहा है, लेकिन सातवां चरण आएगा तो केवल बैकलॉग पर थोड़े आएगा, क्योंकि जब तक रिक्तियाँ जोड़ी नहीं जाएगी तो बैकलॉग पर बहाली कैसे करेंगे? जनरल का सीट, EWS का सीट, OBC का सीट कैसे देंगे? अभी तो महिला का सीट है और SC ST का है, तो सीट तो जोड़ना पड़ेगा। जी सर। जी जी, तो नरेंद्र जी बहुत अच्छा जवाब दिए हैं और अभ्यर्थियों का शंका भी दूर हो गया होगा। लेकिन फिर से सर हम पूछना चाहते हैं, कुछ अभ्यर्थी लिख रहे हैं सर कि आज जो सचिवालय गई थी, विनीता जी गई हुई थी, उसमें सर क्या क्या मुद्दा रखी गई थी, क्या क्या सर आवेदन में लिखा गया है सर, कुछ अपडेट है सर? सर जो भी मुद्दा है सर उसमें लिख दिया गया है, आप लोग पढ़ लिए होंगे, तो उसमें यही लिखा गया है कि सातवां चरण अति शीघ्र जारी कीजिए और जो रिक्तियां है रिक्तियां 2021 तक जोड़ कर दी जाए और सेंट्रलाइज तरीका से ऑनलाइन किया जाए। डोमिसाइल तो ऑलरेडी आपका नियम में बनी गया है, नियमावली में कहीं डोमिसाइल रहेगा, तो सेंट्रलाइज और ऑनलाइन की मांग किया गया है और 2021 तक रिक्तियाँ मांगी गई है उसमें। जी, कम से कम 21 तक अब दीजिए, ऐसे तो 2022 चल रहा है, लेकिन 21 तक तो कुछ देना ही होगा। इसके लिए चाहे हम लोग कुछ भी करना पड़े, हम लोग जाएंगे अब एक दो दिन में, हम लोग खुद मतलब हमारा कोर टीम जा रहा है वहाँ पर, हम खुद जाएंगे उसका शरीर, तो सब जी, कुछ क्लियर हो जाएगा। हम लोग वहाँ से, हाँ वहाँ से आपके चैनल के माध्यम से हम लोग मतलब सर कुछ सब कुछ बताएंगे और सभी अभ्यर्थियों का आश्वस्त हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग सभी लोग मतलब जाने के लिए रेडी हो गए हैं, बस यही वेट कर रहे हैं। मतलब जी नरेंद्र जी कहने का मतलब हुआ सभी अभी यूनिटी है और सभी मिलजुल कर काम करेंगे, मिलजुल कर लड़ेंगे और जीतेंगे भी। अप्रैल 1st भी नोटिफिकेशन जारी होगी, इसके लिए कंफ्यूजन नहीं है दोस्तों, इसलिए आप कंफ्यूजन मत रहिए, अप्रैल 1st आएगी और 1 लाख से कम नोटिफिकेशन रिक्ति नहीं आएगी। 50,000 तो ऑलरेडी 94K का है, नया रिक्ति कहाँ गया? इसकी मांग को लेकर भी हम लोग कल टीम जाएगी और आज भी गई थी, लेकिन किसी कारणवश संजय सर, रवि सर नहीं मिल पाए। विनीता जी सिर्फ आवेदन देकर चली आई है, अगर जुड़ती तो सही से बताती, लेकिन कोई बात नहीं, आपको ऑडियो के माध्यम से उनका हम बताएंगे और लेटर भी आपको घूम रहा है पूरे व्हाट्सएप ग्रुप में, आप जानते भी हैं, पढ़ भी लिए होंगे, क्या नरेंद्र जी है ना? जी, विनीता मैम से बात हुआ है हम लोगों को, तो विनीता मैम बोली है कि जैसे वहाँ पर विधानसभा चल रहा है, तो विधानसभा की वजह से मतलब कि सभी पदाधिकारी और शिक्षा मंत्री बिजी हैं इस समय, तो अच्छा, बोला गया है कि हाँ एक दो दिन में मिलवा दिया जाएगा, मैंने वहाँ के अधिकारी से, जो वरीय अधिकारी है वहाँ से, वो लोग बोले हैं कि एक दो दिन में आप लोग को मिलवा दिया जाएगा। तो हम लोग खुद मतलब बोल ही रहे हैं ना कि देखिए आज हो गया 11 तारीख, 14-15-16 मार्च की काउंसिलिंग है, उसके बाद एक दो दिन में होली पड़ जाएगा, होली बाद हम लोग खुद वहाँ पटना सचिवालय के दौरा वहाँ रह कर करेंगे। हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग जाएंगे और बस फोटो खींचा के चलाएंगे, कार्य एकदम धरातल पर दिखाई देगा सबको, इसमें किसी तरह कोई कोताही नहीं होगी। हाँ, जो लोग काम कर रहे हैं पॉजिटिव दिशा में, सबको हम लोग स्वागत करते हैं। सभी सब एक साथ में है, सभी जिसको भी है
और चाहे मतलब कहने का मतलब हुआ कि सब यूनिटी में हम लोग हैं। आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, अगर फर्स्ट वीक से थोड़ा भी विलम्ब होती है तो बड़े बड़े पैमाने पर आंदोलन करने की तैयारी में भी हम लोग, जैसे आप 3 मार्च 4 मार्च को देख लिए, अभ्यर्थियों की संख्या को दिखाई दे दिया है सरकार को, इससे दुगनी अभ्यर्थियों की भीड़ होगी। और इस मतलब जब इस बार की जो आंदोलन होगी थोड़ा अलग टाइप की होगी, यानी हर तरफ से अलग होगी और नोटिफिकेशन लेकर ही हम लोग रहेंगे। दोस्तों कन्फ्यूज में मत रहिएगा। और चलिए आप लोग कुछ कमेंट लेते हैं, कमेंट कई बार आ चुका है, एक ही कमेंट बार बार आ रही है, कुछ कमेंट इम्पोर्टेंट कमेंट को हम लेते हैं। बीता जी फिर से जुड़ने की ट्राई कर रही है लेकिन जुड़ नहीं पा रही है, जैसे जुड़ती है उनसे डायरेक्ट हम संपर्क करते हैं। चलिए सुभाष सर को लीजिए, बिल्कुल अजीत जी, सुभाष सर अभी बिजी है, कहीं नेक्स्ट टाइम में हम लाइव डिबेट में सुभाष जी को लेंगे, डोंट वरी। विनीता जी क्या मेरी आवाज को आप सुन रहे हैं? सर प्राइमरी टीचर का स्कूल बोला गया नहीं सर, एक नरेंद्र जी सही साउंड क्लियर नहीं आ रहा है इनका, आज शायद मेरा भी नेटवर्क इशू हुआ है और सभी नाइट में आज न जाने नेटवर्क का ही इशू ज्यादा हो रही है, बार बार फंस जा रही है। मीटिंग इस बार नहीं होगी, 8वां चरण में चांस बनता है, 7वां में कोई गुंजाइश नहीं है। जो भाइयों अगर सीटेट क्वालिफाई नहीं किए हैं और सीटेट के बीटेट की मांग कर रहे हैं तो अगले तैयारी कीजिए सीटेट का, आप क्या सर है ना सर विजय सर जिनका बीटेट आज सर नेटवर्क काफी इशू हो रहा है। दोस्तों आपको बता दिया गया सचिवालय अपडेट क्या है कि अब आवेदन देकर आई है मैम, उसमें सभी मुद्दे को रखा गया है और संजय सर तो डायरेक्ट नहीं मिल पाए हैं लेकिन मंडे या ट्यूजडे तक डायरेक्ट मुलाकात होगी, टीम पहुंचेगी और सारी बात को फिर से अपडेट हम देंगे। आप चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करते रहिए। दोस्तों और आप सभी के क्वेश्चन लेते हैं, इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन होंगे नरेंद्र जी जवाब देंगे सर। नरेंद्र जी आपको कमेंट दिखाई दे रहा है, उसके बाद ही हम लोग कुछ कमेंट कर सकते हैं, अभी ऐसा कोई विचार नहीं है। ऐसे भी नीतीश कुमार महिलाओं को मतलब प्रति आकर्षित है कि नहीं, वो लोग आरक्षण देकर आगे बढ़ा नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, जनरल में 55% मेगा बन रहा है, बिल्कुल दीपक तिवारी जी आपका हो जाएगा, बहुत बढ़िया है, टेंशन लेने की बात नहीं है सर। आप लोग तो मेरिट पर दर्द बार बार मेरिट का ही सवाल है सर, इतना मेरिट बन रहा है उतना बन रहा है, आप लोग नोटिफिकेशन पर हम लोगों का काम करना है, जब नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो मेरिट लेकर क्या करेंगे। एक एक बात हम कहना चाहेंगे, बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि मेरा 60 बन रहा है, 65 बन रहा है, 71 बन रहा है, एक बात क्लियर बता देना चाहेंगे कि देखिए अगर अगला बीटेट हो गया या अगर अभी एक और सीटेट हो गया तो 70 वाले को होना भी मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए कि अप्रैल में अगर सरकार बोला है अगर नहीं देता है या कुछ भी करता है तो हम लोग